खूबसूरती कायम रखने के लिए कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। कोई नाक तो कोई अपने होठों की सर्जरी करवाकर खूबसूरत दिखने की कोशिश करते रही हैं। वहीं कॉस्मेटिक सर्जरी में बोटॉक्स का नाम सबसे ऊपर है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स ने बोटॉक्स का सहारा लिया है। नंबर एक, धर्मेंद्र दिल खोलकर जीने वाले एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन एक वक्त उन पर भी ऐसा प्रेशर आ गया था जब वे इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए इस हद तक प्रेशर में आ गए कि उन्हें बोटॉक्स का सहारा लेना पड़ा। नादिया खान ने हाल ही में बताया था कि जब उन्होंने डैडू कूल नाम का शो बनाया था, उसमें उन्होंने धर्मेंद्र का जिक्र किया था। तब उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र जी डैडी कूल है, पर फेस बोटॉक्स ज्यादा लेने की वजह से वह खराब हो गया। उनके मुताबिक धर्मेंद्र ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, आप सही कह रही हैं। नंबर टू, इस कड़ी में शाहिद कपूर का नाम भी जुड़ा है। शाहिद कपूर ने नोज जॉब डन कराया था। नंबर थ्री, सैफ अली खान ने भी अपनी आंखों के नीचे लटके स्किन का ट्रीटमेंट कराया था, वहीं उन्होंने फेस लिफ्टिंग भी कराई थी। नंबर फोर, करण जौहर एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर बोटॉक्स कराने की बात को माना। उन्होंने कुछ डर्मा फिल्टर्स भी लिए थे और बोटॉक्स वर्क भी कराया था। नंबर फाइव, रणवीर कपूर ने अपने हेयर लाइन को सेट कराया था। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था। नंबर सिक्स, सलमान खान ने रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट की जगह टाइम टू टाइम बोटॉक्स शॉर्ट्स लिए, वहीं उन्होंने चीक फिलर्स भी लिए। नंबर सेवन, शाहरुख खान भी इस रेस में किसी से कम नहीं रहे। उन्होंने भी अपने चेहरे पर बोटॉक्स और इंजेक्शन लिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।